हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप एंड आप देख रहे हैं लर्निंग टेक्निकल 2.0 यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आपका जो व्हाट्सएप है, ठीक है, उसमें आपका जो डीपी है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको जो व्हाट्सएप का डीपी एंड व्हाट्सएप का जो भी आप कैप्शन देना पसंद करते हैं, ठीक है, उसको चेंज करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करके हम मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं एंड वीडियो को यहीं पे ही स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली अब हम मोबाइल स्क्रीन पे आ गए हैं, ठीक है। तो अब हमें मोबाइल का जो भी व्हाट्सएप है उसको सिंपल सा ओपन कर लेना है। तो अब हम मोबाइल का जो भी व्हाट्सएप है उसको सिंपल सा यहाँ पर से ओपन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स जैसे ओपन करेंगे तो व्हाट्सएप का हमारा जो भी फिंगरप्रिंट जो लॉक हमने क्रिएट किया था व्हाट्सएप में, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे अभी तक चालू है। ओके फ्रेंड्स, तो हम सिंपल से इसे ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक कि व्हाट्सएप में कैसे आप आपका फिंगरप्रिंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एंड आपका व्हाट्सएप को जो है बहुत सारा सिक्योरिटी के अंदर आप ले आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये वीडियो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, जाके पहले वो वीडियो आप देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो यह बार आप देख सकते हैं कि मेरा जो व्हाट्सएप अकाउंट है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से ओपन होकर आ गया है मेरे सामने। तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा जो डीपी है उसको चेंज करने के लिए हमें एकदम ऊपर की तरफ आपको व्हाट्सएप बोल के एक लोगो आपको दिखाई देगा, उसके थोड़ा बगल में आपको एक सर्च ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, एंड उसके पास आपको जो है ट्रिपल डॉट मिल जाएगा। सिंपल सा वो ट्रिपल डॉट पे हमें टैप कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम ट्रिपल डॉट पे टैप कर देंगे, देख सकते हैं कि हमारे सामने एक न्यू पॉपअप ओपन होके आ गया है। तो आप यहाँ पर से ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स, एंड व्हाट्सएप वेब को आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर से। तो सिंपल सा हमारे एकदम नीचे की तरफ जो ऑप्शन है सेटिंग्स बोल के, उसमें टैप कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम सेटिंग्स पे टैप कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो अकाउंट है, ठीक है, उसका जो मैं कैप्शन दिया है वो यहाँ पर शो कर रहा है, एंड उसके बगल में मेरा जो फोटो मैंने यहाँ पर दिया यानी कि व्हाट्सएप का जो डीपी है वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली अब हम यहाँ पर से जो डीपी देख पा रहे हैं उसमें सिंपल सा टैप कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही टैप कर देंगे तो यहाँ पर से आपको आपका जो भी डीपी एंड आप जो कैप्शन देना यहाँ पर पसंद करेंगे तो वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि डीपी के पास आपको एक जो कैमरा का लोगो मिल रहा है। ओके, तो सिंपल से हमें वो जो कैमरा वाला लोगो है उसमें टैप कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही टैप करेंगे देख सकते हैं कि मोबाइल का नीचे की तरफ से एक जो है पॉपअप शो हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर से आप जो है रिमूव फोटो करके आपका जो डीपी है उसको टोटली ब्लॉक कर सकते हैं। अदरवाइज गैलरी वाला ऑप्शन है एंड कैमरा वाला ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपका फोटो जो है वो अभी गैलरी पे है तो सिंपल सा गैलरी में टैप करने के बाद आप यहाँ पर से फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप कैमरा पे टैप करने के बाद आपका खुद का जो लाइव फोटो है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो फोटो है वो अभी गैलरी पे है तो सिंपल सा गैलरी में मैं टैप कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं गैलरी पे टैप कर दूंगा देख सकते हैं कि मेरे सामने मेरा मोबाइल का जितना सारा गैलरी का मेरा जो फोल्डर है वो सारा का सारा यहाँ पर शो हो रहा है। तो बेसिकली मेरा जो फोटो है वो मेरा कैमरा वाला पोर्शन पे है। तो सिंपल सा कैमरा वाला जो फोल्डर है मेरा यहाँ पे, मैं उसको ओपन कर लूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने मेरा गैलरी का जितना सारा फोटो है वो यहाँ पर ऑलरेडी शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर से मेरा कोई भी एक फोटो को जो है सिलेक्ट कर लूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर मेरा एक जो है फोटो को सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर आपका जो है फोटो को क्रॉप करने का एक ऑप्शन आपको दिया जाता है। तो बेसिकली आपका फोटो को अपने हिसाब से जो है क्रॉप कर लेना, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर जो है मेरा फोटो को मैं क्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पर से। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि मैंने जो है मेरा फोटो को यहाँ पर क्रॉप कर लिया है। तो अब हम सिंपल सा डन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो फोटो है वो वहां पर डीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको ये जो फोटो है इसको क्रॉप करने के बाद पसंद नहीं आए तो सिंपल सा एक बाई और जो कैंसिल वाला बटन है उसमें टैप करने के बाद दूसरा एक फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो फोटो है वो तो मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है, इसके लिए मैं यहाँ पर जो डन वाला बटन है उसमें सिंपल सा टैप कर दूंगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जैसे ही हमने डन पर टैप किया है तो ऑलरेडी हमारा जो व्हाट्सएप का डीपी है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो है सेट हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट्सएप का जो भी कैप्शन है, ठीक है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, यानी कि कैप्शन हम कैसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो अबाउट वाला सेक्शन है यहाँ पर ही हमको हमारा जो कैप्शन है उसको ऐड करना पड़ता है।
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पेन वाला निशान है, तो सिंपल सा हमें वो पेन वाला निशान के ऊपर टैप कर देना पड़ेगा। तो जैसे ही टैप कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो डीपी है वो आपके सामने अभी शो कर रहा है एंड आपका जो कैप्शन है वो यहाँ पर ओपन होके आ गया है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर कैप्शन के बगल में आपको एक जो पेन का निशान दिख रहा है सिंपल सा उसमें दोबारा टैप कर देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पर जो है आप आपका जो कैप्शन है ठीक है उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मेरा जो कैप्शन ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है तो मैं उसको सिंपल सा कैंसिल कर दूंगा एंड यहाँ पर जो है मैं इसको कट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये जो मेरा डीपी यहाँ पर जो मेरा कैप्शन था वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो है डिलीट हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर मेरा खुद का कोई भी एक कैप्शन लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेरा खुद का कोई भी एक कैप्शन मैं यहाँ पर दे देता हूँ अभी। ठीक है, तो फ्रेंड्स बेसिकली मैं यहाँ पर मेरा जो नाम है उसको ही मैं कैप्शन दे देता हूँ अभी आपको दिखाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है मेरा नाम को लिख दिया है एंड यहाँ पर कुछ जो है इमोजी को ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स बेसिकली आप यहाँ पर आपका खुद का जो भी कैप्शन देना चाहे वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल सा कैंसिल एंड सेव बोल के दो बटन आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको सेव करके रखना चाहते हैं तो सिंपल सा सेव में टैप कर देंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ही सेव में टैप करेंगे देख सकते हैं कि आपका जो कैप्शन है वो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो था कि आप कैसे आपका जो है खुद का कैप्शन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यानी कि आपका जो मैनुअल कैप्शन है वो यहाँ पर कैसे ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप व्हाट्सएप का खुद का जो कैप्शन होता है ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बिजी बोल के है, अवेलेबल बोल के है, एट स्कूल, एट वर्क, इस तरह सा जितना सारा आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना सारा कैप्शन है वो यहाँ पर आपको सामने शो हो रहा है, तो आप यहाँ पर से कोई भी एक कैप्शन को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर जो है बिजी वाला जो कैप्शन है उसको सिलेक्ट करना चाहूँ तो सिंपल से उसमें जैसे ही टैप कर देंगे तो फ्रेंड्स हमारा जो कैप्शन है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिजी बोल के है आ गया है। ओके फ्रेंड्स, तो बेसिकली मैं यहाँ पर मेरा जो खुद का जो कैप्शन मैंने सिलेक्ट किया था मेरा नाम का, तो मैं उसको यहाँ पर रहने दूंगा। ओके, एंड यहाँ पर जो है आपका पूरा का पूरा जो काम है वो खत्म हो गया। तो सिंपल सा अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर से जो एरो वाला बटन है उसमें टैप करने के बाद हमें वापस आ जाना है। जैसे ही हम वापस आ जाएंगे व्हाट्सएप का जो भी प्रोफाइल वाला सेक्शन है वहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जो डीपी है वो भी प्रॉपर तरीके से चेंज हो गया है एंड आपका जो कैप्शन है वो भी प्रॉपर तरीके से चेंज हो गया है। तो फ्रेंड्स अब हमें कुछ नहीं करना, हमारा जो काम है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से खत्म हो गया है एंड हम यहाँ पर से सिंपल से बैक हो जाएंगे। तो अब हमारे सामने व्हाट्सएप का जो है होम स्क्रीन शो हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर से एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने जो एडिटिंग यहाँ पर किया है क्या वो प्रॉपर तरीके से अभी यहाँ पर सेव हुआ या नहीं। तो सिंपल सा ट्रिपल डॉट पे फिर चले जाएंगे एंड नीचे की तरफ देख सकते हैं सेटिंग्स बोल के आ गया है, उसमें जैसे ही टैप करेंगे तो देख सकते हैं कि आपका जो प्रोफाइल है वो अभी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ठीक हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप भी आपका मोबाइल का जो व्हाट्सएप अकाउंट है ठीक है उसमें आपका डीपी एंड जो कैप्शन है उसको प्रॉपर तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो वीडियो है इसमें अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेटिव पार्ट नजर आए तो प्लीज हमारा ये वीडियो को एक लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर करने का कोशिश करना। एंड फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नया इन्फॉर्मेटिव आइडिया लेके, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।